वेलकम टू चॉकलेट गेमिंग, हमारे डेली पबजी कस्टम रूम में आप सबका स्वागत है। तो हमारा आज प्लेन आया है जारकी की तरफ, जॉर्जो पूल की तरफ से मिलिट्री बेस। तो यहाँ पे बहुत सारी टीम्स जंप कर चुकी हैं, मोस्टली शायद पूरी टीम्स जंप कर चुकी हैं। तो ये टीम नंबर वन, डीएमएक्स वाइट हॉक किंग है आज इनके साथ। शायद अपनी टीम के वो अकेले प्लेयर थे इस टीम में आ गए। चलो कोई बात नहीं, आज हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी 2 मिनट लेट होगी। आज हमारे कस्टम में 95 प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा। जब स्टार्ट किया 100 थे, तो शायद थोड़े एग्जिट कर गए होंगे, उनको उनकी टीम नहीं मिली होगी। जो भी आईडी देख के आता है ग्रुप में, तो उसके लिए रिक्वेस्ट है, जब कस्टम में आते हो तो पूरी टीम को साथ ले आया करो। क्यों, ऐसे हम किक नहीं कर सकते ना किसी को, फिर सब बोलेंगे कि हमको किक किया। कितनों के मैसेज देखेंगे हम वहाँ पे। KS ने, वाइल्ड फायर ने टीम, क्या नाम है उनका देखते हैं, तो टीम STR को फिनिश कर दिया है। STR वैनम को KS की टीम ने, थोर राइडर, चलते हैं थोर राइडर के पास। यहाँ पर चिंकी में बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलेगी हमें, थोर फाइटर। यहाँ पे इनके पास 1 किल है। 1947 को इन्होंने फिनिश कर दिया है हनी को। आज के पास में थोड़ा सा चेंज होगा, इनोसेंट अली यहाँ पे नॉक होते हैं साइकॉक्स की तरफ से। यहाँ पे थोर राइडर पे शॉट्स ले रही है टीम नंबर 23। तो यहाँ पे V50 मॉन्स्टर और 1947 हनी फिनिश हो चुके हैं। चलते हैं साइकॉक्स की टीम के पास। वहीं पे अशु 22 15, इनोसेंट अली फिनिश हो चुके हैं। साइकॉक्स की टीम के पास चलते हैं। KS की टीम की फाइट हो रही है, वहीं पे KS की टीम KS से फाइट कर रही है, क्या समन। चलते हैं टीम नंबर 19 के पास, K9। तो यहाँ पे 2 टीम्स हैं, तो ये एक दूसरे को शॉट गन्स दे रहे हैं, उनके पास अच्छी लूट नहीं है अभी। तो यहाँ पे टीम नंबर 18 के अकेले प्लेयर बचते हैं STR, टीम STRS पार्क ओपी। चलते हैं हॉकी टीम के पास। यहाँ पे हॉक के आज 2 ही प्लेयर हैं, हॉक फैंटम मॉर फ्लैश, तो थर्ड प्लेयर कोई और है। व्हाइट हॉक किंग ने डाउन किया है राज सूरज ओपी को, पूरा फिनिश कर दिया राज सूरज ओपी को। वहीं पे टीम नंबर 8 है इनके आगे, तो उनके बचते हैं 3 प्लेयर्स। KS वाइल्ड फायर ने हर्ष को डाउन किया है यहाँ पे साइकॉक्स को, तो टीम नंबर 14, टीम नंबर 11। यहाँ पे वाइल्ड फायर भी डाउन है, माफिया भी डाउन है, तो तारात यहाँ पे फिनिश है। तो बचते हैं वाइपर अकेले प्लेयर, वहां पे साइकॉक्स की टीम आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे KS की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाती है साइकॉक्स की टीम की तरफ से। यहाँ पे हर्ष को रिवाइव दिया जाएगा, तो ये अभी बच चुके हैं। चलते हैं DMX के पास। तो यहाँ पे इनके पास 2 टीम किल्स आ चुके हैं। DN मुन्ना ने साइकॉक्स को डाउन किया है यहाँ पे फिर से, तो चलते हैं साइकॉक्स की टीम की तरफ फिर से। दोबारा हर्ष डाउन हो जाते हैं, तो DN मुन्ना के पास चलते हैं। M4 तो यहाँ पे 2 vs 4 है, इनोसेंट अली और अशु यहाँ पे फिनिश है। वहीं पे दोनों प्लेयर डाउन है, थोर और हर्ष। हर्ष को शायद रिवाइव दिया जा रहा है। तो यहाँ पे फ्री फायर स्मोक में स्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे ठाकू को स्पोर्ट कर लिया हर्ष। यहाँ पे फिर से डाउन हो जाते हैं DN मुन्ना की तरफ से, तो बहुत अच्छा डाउन दिया है इन्होंने। तो ये बचते हैं ल्यूंटिक ने उजी से DN मुन्ना को डाउन कर दिया है। तो अब बचते हैं DN सरदार अकेले प्लेयर। तो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं
डीएन मुन्ना, तो डीएन सरदार भी यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। बचते हैं अकेले ल्यूनटिक, पीछे से इनको पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग किया कि वो फिनिश करने लग गए, इन्होंने देखा नहीं कहाँ से एनमी आ रहा है। तो यहाँ पे लोल की टीम की फाइट हो रही है, तो यहाँ पे हर्ष फिनिश हो जाते हैं। डीएन मुन्ना को उनकी किल मिल चुकी है। डीएन की दूसरी टीम भी है फ्यूरी, साइको, वेनस, हिटमैन, तो बहुत अच्छा है। एक एक टीम की दो दो, एक एक क्लैन की दो दो टीम्स आई हुई है आज। चलते हैं एसजी की टीम की तरफ। तो फिलहाल इनके पास कोई टीम नहीं है। तो यहाँ पे लोल अभी के पास चलते हैं, उनकी फाइट कब से हो रही है तो देखते हैं वो कहाँ पे है। लोल अभी तो इनकी फाइट मिलिट्री में होके हटी है। तो यहाँ पे जिया ने ऐश को यहाँ पर डाउन किया है, शायद वो फिनिश हो चुके हैं ऐश। तो शायद ये न्यू प्लेयर है आज मात। तो यहाँ पे राइपर, रोहन, गोड ओपी है इनके ओपोजिट। तो इनकी जॉर्जियो में फाइट हो रही है। तो यहाँ पे इस टीम के पास 4 किल्स आ चुके हैं। टीम नंबर 17, राइपर, रोहन। चलते हैं टीम नंबर 24 के पास, देखते हैं गॉड को। तो गॉड और एग्जाइल फ्रॉस्टी दोनों ही प्लेयर हैं यहाँ पे अलाइव। 2 वर्सेस इनके आगे, 2 वर्सेस 4 है। देखते हैं क्या करते हैं ये। तो एग्जाइल अपनी टीम के अकेले प्लेयर आए हैं आज। फ्रॉस्टी, रॉनी, रॉनी आज नहीं आए। अच्छा खेलते हैं इनकी टीम। चलते हैं एक्साइल फ्रॉस्टी के पास। तो शायद ये ऑफलाइन है, अकेले हैं इसलिए। तो गॉड यहाँ पे अकेले ही हैं अपनी टीम के। चलते हैं 19 टीम के पास, जो रोजक से नहीं जा रहे, वो लोग थोड़ा रोटेट करके जा रहे हैं। वहीं पे इनके खान आगे जा चुके हैं, तो शायद इनकी फाइट हो रही है। तो वहाँ पे एसजी की टीम है आगे, किल निकालने में तो एसजी की टीम भी बहुत अच्छी है। बहुत सारी टीम्स किल निकालने में बहुत माहिर है। तो चलते हैं टीम नंबर 22 के पास, शायद उनके पास टीम नंबर 21 है। यहाँ पे घर ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे तीनों को मुकुल ने डाउन कर दिया है। 1 वर्सेस 3, क्या किया है भाई। यहाँ पे साइको अकेले ही प्लेयर बचे हैं अपनी टीम के। डीएन फ्यूरी और हिटमैन यहाँ पे डाउन है। वैनस को फिनिश कर चुके हैं, हिटमैन भी यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। साइको अकेले ही प्लेयर बचते हैं। क्या मुकुल ने मारा आज। तो इनको जोन में निकलना होगा। तो यहाँ पे उनके 3 प्लेयर्स हैं, ये बैंडेज लगा रहे हैं, शायद इनके पास हेल्थ किट नहीं है। तो यहाँ पे 90-47 डाउन हो जाते हैं। यहाँ पर साइको अभी फिनिश हो सकते थे मुकुल की तरफ से, इन्होंने सपोर्ट कर लिया है साइको को। तो नीचे से भी मार सकते हैं ये उन्हें फुट पे। तो देखते हैं साइको, इनको डाउन करते हैं कि ये साइको यहाँ पे फिनिश होते हैं। इन्होंने नेड निकाला है, नेड किया, देखते हैं साइको की तरफ जाता है कि नहीं, लेकिन साइको की तरफ नहीं किया। 1947 यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। तो बचते हैं 2, 1 वर्सेस 2।
यहाँ पे थोड़े राइडर फिनिश हो चुके हैं MPGR की तरफ से, तो ये बैंडेज लगा रहे हैं। फैंटम ने साइलेंट नाइट को यहाँ पे डाउन किया, साइलेंट नाइट फैंटम की तरफ से फिनिश हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे वन वर्सेस टू देखेंगे अभी कि हमारा वन वर्सेस टू कैसा रहता है साइको की तरफ से। चलते हैं साइको के पास। साइको डीएन, दोनों प्लेयर साथ में आ रहे हैं, थोड़ा अलग चले गए। 1947 यहाँ पे मुकुल आ चुके हैं, मुकुल को स्पोर्ट भी कर लिया है, यहाँ पे मुकुल डाउन हो सकते हैं, तो साइको ने मुकुल को डाउन कर दिया है, तो ये फिनिश करेंगे अभी पूरा। एकलव्य को देखते हैं, एकलव्य आगे आ रहे हैं, साइको साइको भी बढ़ रहे हैं उनकी तरफ, नीचे से मारते हैं, देखते हैं कैसे मारते हैं ये। वहाँ पे मुकुल रिवाइव हो जाएंगे क्योंकि जोन भी आ रहा है, इनकी हेल्थ भी जाएगी इनके पास। देख हेल्थ किट नहीं है शायद, बैंडेज ही है सिर्फ, मिल गई हेल्थ किट इनको एकलव्य की तरफ से। साइको के पास चलते हैं, बहुत तो अच्छी फाइट हो रही है वहां पे। व्हाइट हॉक नासा ने टीम एसटीआर जो अकेले प्लेयर थे बग्गी से जा रहे थे अपनी टीम के, उनको फिनिश कर दिया। डीएमएक्स राजपूत ने योद्धा ऋषु को फिनिश किया था, लेकिन लास्ट में वो भी डाउन हो जाते हैं, तो यहाँ पे साइको फिनिश फिनिश हो सकते हैं मुकुल की टीम की तरफ से। लेकिन यहाँ पे एकलव्य की टीम निकल रही है, शायद इनको जोन लेना है, इनके पास हीलिंग भी नहीं है, तो साइको को ये छोड़ रहे हैं ऐसे ही। तो साइको ने यहाँ पे डाउन किया है 1947 को, बहुत अच्छा मौका है उनके पास। ये निकलने वाले थे लेकिन कुछ ड्रॉप किया था मुकुल ने, तो उठाने लगे इसलिए डाउन हो गए, इनकी हेल्थ भी कम थी, तो साइको इनको फिनिश भी कर सकते हैं। तो साइको ने क्लव्यो को फिनिश कर दिया, यहाँ पे बचते हैं मुकुल, देखते हैं मुकुल क्या करते हैं। शायद वो जोन में निकलेंगे, स्मोक की है। चलते हैं व्हाइट हॉक की टीम के पास। बैटल एंजल, व्हाइट हॉक नासा, व्हाइट हॉक गॉड, तो यहाँ पे इन टीम इस टीम के सभी प्लेयर यहाँ पे अलाइव है, तो आगे टीम नंबर 9 है इनके, देखते हैं इनकी फाइट होती है उनसे। हॉक फ्लैश यहाँ पे डाउन हो जाते हैं, तो यहाँ पे हॉक की पूरी टीम एलिमिनेट हो चुकी है के एस जैरी की तरफ से, के एस जैरी। तो चलते हैं के एस जैरी की टीम के पास, देखते हैं उसके उनके पास कितने किल आ चुके हैं। टीआई 069 के एस जैरी हाइब्रिड वैनम, तो वैनम मुकुल यहाँ पे खुद फिनिश हो जाते हैं बाइक से गिर के। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले वैनम मुकुल। तो यहाँ पे कार ब्लास्ट में हॉक की टीम को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। चलते हैं, तो यहाँ पे प्ले जोन से द्रोणा गौरव डाउन हो जाते हैं। आई एम नूब को डाउन किया है सुमित ने, व्हाइट हॉक गॉड ने भी यहाँ पे डाउन किया है। चलते हैं टीम नंबर 9 के पास, आई एम नूब भी इनके डाउन है, तो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं नूब। MTS भी डाउन है, MTS को रिवाइव दिया जा रहा है, वहीं पे बैटल एंजल आगे आते हुए, तो फ्री फायर में लेने की कोशिश की है बैटल एंजल को, लेकिन वो बच गए वहीं पे। 1947 निखिल, तो ये बचते हैं अकेले निखिल प्लेयर अपनी टीम के, तो देखते हैं इनको लोड करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं व्हाइट हॉक गॉड की तरफ से, उन्होंने रोटेट करके इनको मार दिया, तो इस टीम के पास 5 किल्स आ चुके हैं। चलते हैं टीम नंबर 4 के पास, यहाँ पे द्रोणा गौरव फिनिश हो चुके हैं प्ले जोन में, डाउन हो चुके थे वो। गब्बर योर ड्रैड कातिल, तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या हो गया इनको।
वैनम जोकर, तो ये दोनों प्लेयर हैं अपनी टीम के। हर्ष और थोर यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, तो यहाँ वहाँ पे साइकॉक्स के वहाँ पे टू प्लेयर्स हैं, देखते हैं उनको। आईएमआर मोदी नासा को यहाँ पे डाउन दिया जा रहा है, शायद उनकी टीम की फाइट हो रही है। चलते हैं, मोदी नासा फिनिश होते हैं, रॉडी रवि भी फिनिश होते हैं यहाँ पे हमारे जाने से पहले। एचएमएम किलर वहां से निकल चुके हैं और ब्लैक सरपेंट भी, तो इनके दो प्लेयर फिनिश हो चुके हैं। चलते हैं टीम नंबर 24 के पास, तो गॉड अभी तक अलाइव है, तो इनके पास यहाँ पे टू किल्स हैं, तो ये पोचिंग की में आ चुके हैं। तो इनकी तरफ आ रही है टीम नंबर 6, हाँ एक गाड़ी और जा रही है ड्रॉप की तरफ, तो एसजी की टीम जा रही है ड्रॉप की तरफ, देखते हैं उनको। तो यहाँ पे राहुल, बैड राहुल इनके डाउन है, तो टीम नंबर 4 है ऊपर, देखते हैं। एचएमएम किलर ब्लैक सरपेंट, लेकिन हम देख नहीं पाए बैड राहुल को किसने डाउन दिया है, उनको रिवाइव मिल जाएगा अभी। रो रो पी ग्लिफिट 4 किल्स के साथ इनकी पूरी की पूरी टीम अलाइव है। गॉड अपनी टीम के अकेले ही प्लेयर हैं। फ्रॉस्टी फिनिश हो चुके हैं, शायद वो गेम छोड़ के जा चुके थे। साइको भी अपनी टीम के अकेले ही प्लेयर हैं। रिंकिया के पापा ने यहाँ पे साइकॉक्स थाकू को डाउन किया है। साइकॉक्स वहाँ पे लियोनटिक भी फिनिश हो चुके हैं, तो उनकी पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो चुकी है, देखते हैं एक बार। लियोनटिक तो यहाँ पे इनकी पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो चुकी है। तो मॉन्स्टर भी डाउन होते हैं, मॉन्स्टर को ग्रोजा से फिनिश कर दिया है। मॉन्स्टर की टीम भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। बहुत सारी फाइट हम मिस कर रहे हैं आज। रेड जोन देखते हैं मॉन्स्टर कौन सी टीम में थे। व्हाइट हॉक सुमित को यहाँ पे डाउन किया गया है। बैटल एंजल ने K9 डैड को फिनिश कर दिया है, वो अपनी टीम के अकेले ही प्लेयर थे। यहाँ पे सुमित को अभी रिवाइव मिल जाएगा, तो यहाँ पर साइको भी फिनिश होते हैं ब्लैक सर्पेंट की तरफ से, वो भी अपनी टीम के अकेले ही प्लेयर थे, बाइक से आ रहे थे। योर डैड कातिल एस नाइपी। तो मॉन्स्टर की यहाँ पे टीम के दो प्लेयर अलाइव हैं, मॉन्स्टर यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। डीएमएक्स राजपूत भी यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। डीएमएक्स की टीम आज अकेली के लिए, शायद उनको वन स्लॉट नहीं मिला तो इसलिए वो दूसरे दूसरे स्लॉट में थे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे स्नाइपी पे शॉट्स लिए हैं टीम नंबर 6 ने। चलते हैं टीम नंबर 6 के पास, कैस जैरी हाइब्रिड बैनम, तो इन पे भी शॉट्स लिए जा रहे हैं। इन पे कौन सी टीम शॉट्स ले रही है, पीछे कोई टीम है, तो यहाँ पे टीम नंबर 15 थी। तो लेकिन उस घर में तो कोई है ही नहीं, अभी पड़ेगी हाइब्रिड को, तो वही हुआ है, इसने यहाँ पे डाउन कर दिया है। तो स्नाइप इनको फिनिश करने में लगे हुए हैं, तो हाइब्रिड वैनम यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं स्नाइपी की तरफ से। तो बचते हैं 3 प्लेयर्स, यहाँ पे स्नाइपिंग अभी डाउन हो सकते थे। 069, तो चलते हैं स्नाइपी की तरफ। इस स्नाइपी तो यहाँ पे डेविल को डाउन दिया है स्नाइपी ने, तो ये फिनिश करेंगे अभी डेविल को। बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं ये स्नाइपी। तो अभी वैनम यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे, डेविल सॉरी। चलते हैं टीम नंबर 6 के पास, तो उनका एक ही प्लेयर बचा है केएस जैरी, तो जो वो हील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा खेल रही है टीम नंबर 7 क्लोज कॉम्बैट। यहाँ पे केएस जैरी की टीम के पास यहाँ पे 5 किल्स हैं।
तो देखते हैं ये क्या करते हैं। 1 vs 2 है इनके आगे, तो नेट निकाला इन्होंने, नेट तो फटा ही गया ही नहीं, वहाँ पे कोई है ही नहीं। कर लो वेस्ट, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये आगे जा रहे हैं घर के, वहाँ पे ए स्नाइपिंग की टीम ने वहां पे पूरी स्मोक्स कर दी है। यहाँ पे एसजी की टीम इनको सपोर्ट करके किल कर सकती है, लेकिन यहीं पे बच जाते हैं ये, इनको पीछे से भी पड़ सकती है। तो देखते हैं ये क्या करते हैं अभी। एसजी की टीम के पास अच्छा मौका है इनको फिनिश करने का, लेकिन यहीं पे उन्होंने शॉट्स लिए थे लेकिन ये बच गए। टीम नंबर 7 को भी जोन में जाना होगा। यहाँ पे 10 टीम सभी अलाइव हैं, 24 प्लेयर्स अलाइव हैं, बहुत सारी टीम्स के 2-2 प्लेयर्स भी अलाइव हैं। देखते हैं, तो यहाँ पे गॉड अभी तक अलाइव है अपनी टीम के, जिंदा है ये। इनके पास 2 किल्स हैं, तो आगे देखते हैं ये कितने किल निकाल पाते हैं। चलते हैं टीम नंबर, तो योर डैड कातिल यहाँ पे गाड़ी से डाउन हो जाते हैं। योर डैड कातिल, तो शायद ये गाड़ी से प्ले जोन में आए, इनका बचना मुश्किल है। गब्बर जोन में जा चुके हैं, तो योर डैड कातिल को बचाना मुश्किल है। रिवाइव हो सकते थे, लेकिन वो अभी उनकी हेल्थ कुछ ज़्यादा तो नहीं जा रही। चलो कोई बात नहीं, ये उनकी टीम पर डिपेंड करता है उनको बचाना है कि नहीं बचाना। चलते हैं के एस जैरी के पास, देखो इनका पाया नहीं दिख रहा है हमें। तो योर डैड कातिल फिनिश हो चुके हैं जोन में, तो जैरी यहाँ पे थोड़ा अपने आप को सेफ कर रहे हैं टीम नंबर 7 से। तो के एस जैरी को यहाँ पे पैन पे शॉट पड़ा है, वहीं पे टीम नंबर 7 आ चुकी है, तो शायद वो बच जाएंगे अभी। यहाँ पे शॉट्स लिए हैं के एस जैरी ने टीम नंबर 7 पे, वहीं पे टीम नंबर 7 आगे रुक जाती है। तो जैरी अपना किल दे के मानेंगे या फिर इनका किल लेंगे, देखते हैं। बहुत लंबी फाइट चल रही है इनमें। गब्बर कैस जैरी, तो यहाँ पे जैरी फिनिश हो जाते हैं ब्लिंक हंटर की तरफ से। ब्लिंक हंटर ही है ना इनका नाम, ब्लिंक एक्स हंटर ही। HMM किलर 2x से सपोर्ट कर रहे हैं गॉड को, अगर उनको शॉट पड़े तो वो फिनिश हो जाएंगे। चलते हैं एक बार गॉड की तरफ, तो वहां पे इनके नियर बाय 23 टीम भी है, तो शायद उनको पता नहीं है अकेला प्लेयर है, नहीं तो वो रश कर सकते हैं इस पे। तो टीम नंबर 23 आगे बढ़ती हुई, देखते हैं ये रुकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे रुक चुके हैं टीम नंबर 23 के प्लेयर, तो वो 2 ही प्लेयर हैं, देखते हैं 1 vs 2 कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे डाउन कर दिया है नूबी को, तो वहाँ पे गब्बर भी आ चुके हैं। 1947 पूजा, तो बैटल एंजल ने HMM किलर की यहाँ पे टीम को एलिमिनेट कर दिया है, वाइट हॉक की टीम ने। गब्बर फॉल बैक कर चुके हैं, टीम नंबर 23, तो यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं नूबी, तो उनको नीचे आना चाहिए था। बहुत रॉन्ग किया वो दोनों प्लेयर्स को, यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे 1947 पूजा को और नोबी को। चलो देखते हैं क्या होता है इनके साथ। यहाँ पे पूजा खुद जल चुके हैं अपने टीममेट की मॉली से, उनकी हेल्थ कितनी कम हो चुकी है, तो वहाँ पे वो नहीं है। वहाँ पे टीम नंबर 12 गुजर रही है इनके पास से, क्या क्या स्मोक्स किया इन्होंने। तो इनके टीम किल सभी 2 ही है नूबी की तरफ से।
बहुत छोटा सा जोन रहता है, तो यहाँ पे गॉड देखते हैं क्या करते हैं। तो गॉड शायद फिर से नूबी को डाउन कर देंगे, लेकिन वहीं पे एलिमिनेट हो चुके हैं गॉड नूबी की तरफ से। तो ग्लिफिड भी यहाँ पे डाउन होते हैं। चलते हैं ग्लिफिड की टीम की तरफ। तो इनके राहुल भी डाउन है, रोरोपी। तो स्नाइपी नहीं, रहन को डाउन किया। बहुत अच्छी फाइट देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे, उनकी टीम एलिमिनेट हो चुकी है। एसपीजे आदि यहाँ पे डाउन मिलता है एसपीजे आदि को रोरोपी की तरफ से। तो उनकी टीम ऊपर आ रही है, रोरोपी अकेले ही प्लेयर बचते हैं। सिंह 785 को भी बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है यहाँ पे। रिंकिया के पापा ओपी, देखते हैं क्या की कमाल दिखाते हैं ये। तो इनके पास गन नहीं है, अभी गन नहीं निकाले इन्होंने। वहाँ पे नीचे ब्लिंक हंटर को डाउन किया गया है। वो क्या फाइट हो रही है इनकी नीचे। रिंकिया के पापा ओपी को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है। वहीं पे रोर ओपी की टीम, एसजी की टीम एलिमिनेट हो चुकी है। रिंकिया के पापा को रिवाइव मिल जाएगा और एसपीजे आदि भी वहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे। वाइट हॉक सुमित ने यहाँ पे एसपीजे आदि के किल निकाल ली है। तो गब्बर अभी तक अलाइव है अपनी टीम के अकेले प्लेयर। चलते हैं गब्बर के पास। वो छोटा सा जोन बन चुका है यहाँ पे, 5 टीम्स अलाइव है। कौन सी प्लेयर किस टीम पे शॉट्स ले रही है देखते हैं। तो यहाँ पे टीम नंबर 323 को स्पॉट करने की कोशिश करनी है। वहां पे नूबी ने वाइट ऑफ गॉड को यहाँ पे डैमेज दिया है नूबी। तो वो ऊपर आ चुके हैं। वहां पे सिंह की टीम है नीचे, टीम नंबर 12। यहाँ पे रिंकिया के पापा ओपी, क्या टीपीपी लेके बैठे हुए हैं रिंकिया के पापा ओपी। तो वहां पे टीम नंबर 8, देखते हैं टीम नंबर 8 को। गाड़ी लेके जा चुके हैं वो जोन में, जोन के कॉर्नर में। तो वहां पे वाइट हॉक की टीम को आना होगा जोन में, टीम नंबर 23 को भी आना होगा जोन में। तो लेकिन वहीं पे इनके पास टीम नंबर 12 है, तो इनकी फाइट तो होके रहेगी। वहां पर रिंकिया के पापा को डैमेज दिया गया है, ये नॉक भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये नॉक हो जाएंगे पीछे से टीम नंबर 23 की तरफ से। वहीं पे उनका प्लेयर यहाँ पे अभी ने 1947 को डाउन कर दिया था। रिंकिया के पापा डाउन है, वहीं पे एलिमिनेट हो चुकी है नूबी की टीम। 1947 पूजा भी फिनिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जाएगी, रिंकिया के पापा नहीं बच सकते यहाँ पे, वो फिनिश हो जाएंगे। उनकी टीम को निकलना होगा जोन में। लोहल अभी, सिंह 785, तो शायद लोहल अभी भी यहाँ पे फिनिश हो सकते हैं। तो इनकी टीम पूरी की पूरी टीम जोन में एलिमिनेट हो जाती है, रिंकिया के पापा की टीम। उनका फाइट लेने में थोड़ा टाइम वेस्ट होया, नहीं तो वो जोन में आ जाते। यहाँ पे गब्बर है अकेले प्लेयर, 1v2 भी है, 1v4 भी है, 2v4 भी है, देखते कौन क्या करता है। गब्बर को शायद सपोर्ट किया है नासा ने। तो यहाँ पे गब्बर फिनिश हो जाते हैं वाइट हॉक गॉड की तरफ से। मुझे लगता है आज का चिकन डिनर यही निकालेंगे वाइट हॉक की टीम। तो वैनम और जोकर बचते हैं ये दोनों प्लेयर। तो इनके पास अभी 0-0 किल्स हैं। तो वाइट हॉक की टीम के पास यहाँ पे 11 किल्स हैं। तो ये भी बैठे हुए हैं टीपीपी लेके, जोकर को देखते हैं। तो वाइट हॉक की टीम ढूंढ रही है यहाँ पे। बैटल एंजल ने नेट किया है, मॉली भी की है, वाह। तो शायद इन्होंने मॉली की जा रही है नासा की तरफ से भी। वाइट हॉक गॉड, यहाँ पे वाइट हॉक गॉड ने उनको सपोर्ट कर लिया है। सुमित को देखते हैं। तो सुमित ने यहाँ पे जोकर को डाउन किया है। तो वैनम बचते हैं अकेले प्लेयर अपनी टीम के, यहाँ पे वैनम भी फिनिश हो सकते हैं, देखते हैं वैनम को। यहाँ पे स्मोक्स कर रहे हैं, लेकिन राइट से बैटल एंजल आ जाते हैं, तो वो फिनिश हो जाते हैं वहीं पे। ये क्या हो गया। तो यहाँ पे हमारा आज का चिकन डिनर निकाल चुकी है हॉकी वाइट हॉकी टीम। तो यहाँ पे वाइट हॉक सुमित के पास है 5 किल्स, वाइट हॉक नासा के पास 1 किल है।
और व्हाइट हॉक गॉड के पास 4 किल्स हैं, बैटल एंजल के पास 3 किल्स हैं, बहुत अच्छे किल्स हैं इस टीम के पास। तो इन्होंने निकाली है आज 1 पोजीशन व्हाइट हॉक की टीम ने। तो आगे चलते हैं सेकंड पोजीशन की टीम के पास, मिस्टर मिश्रा 4432, 0 किल्स, राज सूरज ओपी 0 किल, जोकर के पास 0 किल, वैनम के पास 0 किल, फिर भी इन्होंने निकाली है पोजीशन सेकंड। तो आगे चलते हैं थर्ड पोजीशन के पास, तो यहाँ पे गब्बर के पास भी 0 किल है, यू आर ड्रैड कातिल के पास 0 किल है, द्रोना के पास भी 0 किल है, तो इनकी आई है थर्ड पोजीशन। तो आगे चलते हैं फोर्थ पोजीशन टीम के पास, सिंह चुदत सिंह 785 के पास यहाँ पे 2 किल्स हैं, लोल अभी के पास 9 किल्स हैं, बहुत अच्छे किल्स हैं इस प्लेयर के पास, लेकिन इनकी पोजीशन फोर्थ रह गई कि आती पोजीशन फर्स्ट सेकंड, तो मज़ा आता है जितने किल हैं इस प्लेयर के पास। तो रिंकिया के पापा ओपी के पास 1 किल है, एसपीजे आदि के पास 0 किल है, आई एम आर एक्स नोबी के पास 3 किल है, तो वहीं पे 1947 हनी के पास 0 किल है, 1947 पूजा के पास भी 0 किल है, V50 मॉन्स्टर के पास 0 किल, RV ईरान के पास 1 किल है, और SG रोर OP के पास 0 किल है, बैड राहुल के पास 2 किल्स हैं, SG ग्लिफिट के पास 1 किल है, इनकी भी आज टीम पूरी नहीं आई। तो ए स्नाइपी के पास यहाँ पे 3 किल्स हैं, DMX राजपूत के पास 0 किल है, और मॉन्स्टर के पास 1 किल है, तो ब्लिक ब्लिंक हंटर के पास 4 किल्स हैं। तो आगे हम डिस्कस नहीं कर सकते किल, ये भी मैंने किसी से स्क्रीनशॉट मंगवाया है, वो पता नहीं आज फिर नहीं आया लास्ट पे क्या हो जाता है इसको ये रिजल्ट वाला। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे, बाय बाय, सब रेडी रहा करो 8 o'clock कस्टम के लिए, आप सबकी सपोर्ट चाहिए हमें। तो ये हमारा डेली फ्री कस्टम होता है, जिसको ज्वाइन करना हो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, रूम आईडी और पासवर्ड के लिए, वो ज्वाइन करें जिसको खेलना है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे हमारा फिनिश आज का रूम और वीडियो, कल मिलते हैं न्यू कस्टम रूम के साथ, बाय बाय।